मुझे बताएं, बहुत सारे भाइयों के हाथ में कैमरे हैं जिनके हाथ खाली हो, तालियां बजा सकते हैं। सो दैट हमारे मेरे भोपाल नमस्कार धन्यवाद सभी को, राम राम, हमारी राम राम ले लीजिए। और जैसा कि आपने पूछा कि भोपाल में सबसे अच्छा क्या लगा, जैसे ही मैं एयरपोर्ट से निकली, सिर्फ और सिर्फ मैंने देखा कि साइड में मेरे मेरे पोस्टर्स 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 सिर्फ मैंने अपने पोस्टर्स देखे। और मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि इतना अच्छा इवेंट है, पता चल गया जिस तरीके से पोस्टर लगे हुए थे उसी तरीके से पता लग गया। और भोपाल से मैं बहुत बहुत ज्यादा नजदीक हूँ, क्योंकि जो मेरी फर्स्ट फिल्म आ रही है 8th of Feb को रिलीज हो रही है, उसके जो मेरे तीनों को स्टार्स हैं वो भोपाल से बिलोंग करते हैं तीनों को। जब तक आप किसी चीज को गट्स नहीं रखते शुरुआत करवाने में उसकी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे लोग धरती पे बहुत कम होते हैं जो कुछ ऐसा कर दिखाए कि कोई और ना कर सके। तो मैं पहले तो बहुत बहुत बधाई दूंगी कि इनमें इतने गट्स हैं और इन्होंने ये चीज चुनी। आगे जाके मैं ये बात कह सकती हूँ कि भोपाल में लोग टिकटेड शो देखेंगे। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगी कि हर इंसान अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक होता है, तो हम किसी भी इंसान के काम पे उंगली नहीं उठा सकते। मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स में जितने भी नेता होते हैं, नेता और अभिनेता सिर्फ गाली खाने के लिए बने। आप कुछ भी कर लीजिए, उनको लास्ट में गाली खाने। नेता इतना काम करता है, पता एक MLA लड़ झगड़ कर सड़कें बनवाता है, पता नहीं क्या क्या काम करवाता है, आखिरी में पब्लिक उसको क्या सलाह देती है। 5 साल बीत गए, कुछ काम नहीं किया, लेकिन उनको यह नहीं पता कि किस तरीके से उसने बेचारे ने एक सड़क भी किस तरीके से बनवाई है। तो मैं पॉलिटिक्स को भी ज्वाइन नहीं करने वाली, मैं मेरे काम में बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं देखिए, मैं उन लोगों से बहुत खुश हूँ जो मुझे प्यार करते हैं, लेकिन जो मुझे गाली बकते हैं, जो लोग मुझे प्यार नहीं करते हैं, मैं उन लोगों से भी ज्यादा खुश हूँ जो मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि वही तो इंस्पिरेशन है मेरी आगे बढ़ने की। अगर कोई बंदा मुझे पसंद नहीं करता तो शायद मुझे मेरे अंदर कमी देखनी चाहिए कि ये मुझे पसंद क्यों नहीं कर रहा है, और मुझे वो चीज सुधारनी चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए अरे तू मुझे पसंद कर, जबरदस्ती कोई कुछ नहीं करा सकता। शायद कोई बात हो जाएगी कि सामने वाला गंदा है तो हम भी उसके साथ गंदे तो हो नहीं सकते, तो बोलने दीजिए, मुझे फर्क भी क्या पड़ता है। मैम, कई बार आपके शोज में हम दंगे हो जाते हैं लोगों में, मैम उस पर आप क्या कहेंगी? उस पर मैं ये कहूंगी कि वो मेरी मिस्टेक नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी में कुछ ना कुछ कमी हो ही जाती है। कुछ भी चीज 100% नहीं होती है, बाकी हम कोशिश ही कर सकते हैं कि 110% दे, लेकिन फिर भी हो जाता है, लेकिन मेरी मिस्टेक नहीं है। मैम सर, इधर से सर प्लीज आप आइए ना सामने। शाम को देखिए, प्लानिंग कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बार को बोला करते हैं प्लानिंग खराब हो सकती है, लेकिन जो चल रहा है अगर आप उसमें दखल अंदाजी देंगे तो वो चीज खराब हो जाएगी। तो शाम को जैसी हमारी ऑडियंस आएगी उसी तरीके से हम अपने मैं बताना चाहता हूँ आपको कि बहुत बेकरारी है, बहुत करने लगी। अच्छा, अभी जो IPS ऑफिसर के किरदार में नजर आई बॉलीवुड में एंट्री ले ली है, तो कुछ इंटेंशन था अब बॉलीवुड और ये शो कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि जब एक बार एक्टर बन जाता है तो शो में बड़ा दिक्कत होती है। सर, मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैंने रात दिन एक कर दिया। फिल्म के दौरान फिल्म 2 महीने में कम्प्लीट हुई है, 2 महीने में कंप्लीट करते करते आप मानेंगे नहीं, मैंने कम से कम 20 से 22 इवेंट भी निपटा दिए, तो मैं कर लेती हूँ मैनेज, आप टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल बैक टू बैक देखते रहेंगे। हेलो सपना, अचीवमेंट के बारे में जानने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, बिग बॉस का मेरी अचीवमेंट के पीछे बहुत ज्यादा बड़े वाला हाथ है, क्योंकि जब तक मैं बिग बॉस में नहीं गई थी मुझे वर्ल्ड वाइड कोई नहीं जानता था। आफ्टर बिग बॉस मुझे वर्ल्ड वाइड देखा गया, तो मैं हमेशा तहे दिल से बिग बॉस का, कलर्स चैनल का, एंड द मॉल का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मुझे बुलाया और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू बिग बॉस।